भी सनातन धर्म में कहीं नहीं ये है कि मंदिर का उद्घाटन मोदी जी अकेले कैसे कर देंगे। बुलाइए उनकी बीवी को, साथ में अगर बैठती है तो उद्घाटन होगा। अगर वो अपनी बीवी को छोड़ दिया तो अपनी बीवी का मूर्ति बनवाइए, साथ में बैठाइए। राम जी यज्ञ इतना बड़ा करते हैं तो अपनी बीवी को नहीं छोड़ते, मूर्ति बनवाते हैं और ये अपनी बीवी के बिना यज्ञ करेंगे। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अपमान तो ये लोग कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम बहुत बड़ी सनातनी है। तो अभी इलेक्शन आने वाला ही है तो इनको कहीं ना कहीं डर हो गया है और कि चलिए 2024 में कहीं मेरी सत्ता न चली जाए तो इनके पास मुद्दा है। राम मंदिर में जगह जगह पे काम चल रहा है लेकिन डर के मारे ये लोग जल्दी जल्दी उद्घाटन कर रहे हैं कि कम से कम इस वजह से राम मंदिर के नाम पे वोट तो मिलेगा, क्योंकि इनके पास तो वही है कि राम मंदिर मस्जिद राम मंदिर इन सब पे वोट मिले। तो वो क्या किए थे, उनकी पत्नी नहीं थी तो अपनी पत्नी का मूर्ति बनाए थे, उसके बाद यश अश्वमेध का यज्ञ किए थे ना जी। और मोदी जी उद्घाटन करेंगे, पता ये कभी सुने हैं कि गिर परिवेश कोई अकेली औरत अकेली औरत या अकेला मर्द करता है। राम जी जिनका मंदिर बन रहा है, जो अपने बीवी का साथ कभी नहीं छोड़े, वनवास भेज दिए फिर भी बीवी का मूर्ति बना के यज्ञ करते थे, और उनको वो राम लल्ला का मंदिर कोई ऐसा व्यक्ति उद्घाटन करेगा जो अपनी बीवी को कई वर्षों पहले छोड़ दिया। बात कर रहे हैं राम लल्ला की, बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, बात कर रहे हैं सनातन धर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अपनी बीवी को छोड़ के और किसी भी यज्ञ में या किसी भी चीज में आपसे शामिल हो सकते हैं। राम लल्ला पूरा दुनिया को लेके आए हैं, राम लल्ला पूरा दुनिया को लाए हैं, ठीक है ना। राम जी के वजह से आज हम है, आप है और मोदी जी लेके आएंगे राम लल्ला को। मोदी जी उनका दिमाग ऐसा फूट गया, राम जी को इतनी को बना दीजिए, बहुआ बना के उंगली पकड़ के कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं ना सनातन धर्म की, सनातन धर्म की ये बात करते हैं लेकिन सनातन धर्म के अगेंस्ट में हर चीज उल्टा काम। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया जाना है जिसमें कि देश से तमाम तरह के लोग वहां पर पहुंचेंगे जाएंगे, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री की बात कही जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री जाएंगे और उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा जो है स्थापित करेंगे। ऐसी तमाम चीजें हैं, खबरें चल रही है लगातार। इस वक्त मेरे साथ हैं करिश्मा जी, करिश्मा की रिपोर्ट चैनल चलाती हैं, काफी मशहूर हैं, लोग इनके लाखों में इनके वीडियोस देखते हैं। कैसी हैं जी? बहुत अच्छे हैं। जा रही हैं आप भी जी? अब राम मंदिर बन रहा है तो सबसे पहले तो राम मंदिर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर बीजेपी के पास सिर्फ एक ही जरिया है, राम मंदिर। एक बात बताइए, अब हम लोग अपने जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी बताइएगा, हम लोग अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं, हाँ तो गृह प्रवेश कब करते हैं? जब हमारा घर पूरी तरह से फिनिशिंग हो जाता है तब गृह प्रवेश करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि ईटा लगा दिए ढलैया नहीं हुआ और गृह प्रवेश कर देंगे। देखिए 2024 का इलेक्शन आने वाला ही है तो इनको कहीं ना कहीं डर हो गया है और कि चलिए 2024 में कहीं मेरी सत्ता न चली जाए तो इनके पास मुद्दा है राम मंदिर। तो जल्द से जल्द ये लोग राम मंदिर, अभी राम मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं है, अगर कोई वहाँ पे जाके जो भी वहाँ पे जा रहे हैं वो देखिएगा, राम मंदिर पूरी तरह से बनके तैयार नहीं हुआ है। राम मंदिर अभी बन ही रहा है, अभी वहाँ पे जगह जगह पे काम चल रहा है लेकिन डर के मारे ये लोग जल्दी जल्दी उद्घाटन कर रहे हैं कि कम से कम इस वजह से राम मंदिर के नाम पे वोट तो मिलेगा, क्योंकि इनके पास तो वही है कि राम मंदिर मस्जिद राम मंदिर इन सब पे ही वोट मिलेगा। बनाए मोदी जी तो उद्घाटन कौन करेंगे, बनाए तो वही है ना राम मंदिर। मोदी जी कैसे बना दिए राम मंदिर? कोर्ट ने पास किया तब तो राम मंदिर बन रहा है। मोदी जी अपने घर से सीमेंट बालू लगवा दिए हैं। पहले भी था ना, मोदी जी पहले थे, बन गया उनके सरकार में बन रहा है, उनको इसी चीज का तो डर है कि कहीं सत्ता चली जाए तो उद्घाटन कहीं विपक्ष वाले ना कर दे, इसलिए तो जल्दी जल्दी उद्घाटन कर रहे हैं। बस बताइए 22 जनवरी को ही उद्घाटन कर रहे हैं इसी वजह से तो, और 24 जनवरी से लोग आना भी शुरू कर देंगे। आप अपने घर बताओ, आप खुद बताइए ना, आपका घर बनेगा तब ना आप गृह प्रवेश कीजिएगा जी, कि बिना घर बनाए हुए गृह प्रवेश कर दीजिएगा खाली वोट के लिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं, वोट के लिए गृह प्रवेश हो जाए, उद्घाटन हो रहा है? अरे सुनिए ना, ऊपर से मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, एक बात हमको बताइएगा, मेरे घर में गृह प्रवेश होता है या किसी के घर में गृह प्रवेश होता है? या एक बात हमको बताइए, राम जी खुद जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़े थे राम जी, तो वो क्या किए थे, उनकी पत्नी नहीं थी तो अपनी पत्नी का मूर्ति बनाए थे, उसके बाद यश अश्वमेध का यज्ञ किए थे ना जी। और मोदी जी उद्घाटन करेंगे, बताइए कभी सुने हैं कि गृह प्रवेश कोई अकेली औरत या अकेला मर्द करता है? राम जी जिनका मंदिर बन रहा है, जो अपने बीवी का साथ कभी नहीं छोड़े, वनवास भेज दिए फिर भी बीवी का मूर्ति बना के यज्ञ करते थे, और उनको वो राम लल्ला का मंदिर कोई ऐसा व्यक्ति उद्घाटन करेगा जो अपनी बीवी को कई वर्षों पहले छोड़ दिया है, अकेले यज्ञ वहाँ पे होगा और जो भी वो खुद अकेले कैसे कर सकता है? सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं।
मामा या मामी बहन बहनों ऐसे मिलके सारा रस्म करता है तो ये कैसे हो सकता है जी? बात बताइए, आप हिंदू हैं? बिल्कुल हिंदू है। राम मंदिर से क्या आपत्ति है? क्यों आलोचना कर रही हैं आप? कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। आलोचना क्यों कर रही हैं? आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये आलोचना नहीं है। ये हम जो कहते हैं ना, मोदी जी से नफरत है आपको? मोदी जी से नफरत, जो कहते हैं ना मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है, आप उनसे उन पर सवाल उठा रही हैं। मोदी जी आए तभी ना राम आया, ये भी कह रहे हैं। मोदी जी से छोटी जगह पर उद्घाटन करवाना है तो बहुत सारे भाजपा में भी जोड़ी है ना जी, जो अपने अपनी बीवी के साथ रहती है, अपनी कर्नाटक रहती है। कर्नाटक का भाजपा आईटी सेल का एक सेल किया उन्होंने, ट्वीट किया, मोदी जी को बड़ा दिखाया, मोदी जी को बड़ा दिखाया। राम सुनिए ना, राम जी को छोटा दिखाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी आए तभी आए हैं राम जी। राम लला पूरे दुनिया को लाया है, ठीक है ना? राम जी के वजह से आज हम हैं, आप हैं, और मोदी जी लेके आएंगे राम लला को। मोदी जी लेके आएंगे, हम नहीं कह रहे हैं बीजेपी वाले। उनका दिमाग ऐसे भी घुटने में रहता है, सबको पता है। राम लला कौन बोलेगा जी? राम लला हमको लाया है, राम लला के वजह से हम आए हैं, राम जी हमारे आराध्य थे। अरे राम जी को इतनी को बना दीजिएगा, बहुआ बना के उंगली पकड़ कर। कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं ना सनातन धर्म की, सनातन धर्म की ये बात करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के अगेंस्ट में हर चीज उल्टा काम करते हैं। सनातन का मतलब क्या होता है बताइए? क्या होता है सनातन का मतलब बताइए आप? सनातन धर्म का मतलब होगा सही और संस्कार, और सही बचाने वाला साधु, उसको बोलते हैं सनातन। भाजपा के पास क्या कह रहे हैं? क्या क्या संस्कार है? क्या संस्कार है जो पांच कितने शरीर बना हम लोग के? पता है भगवान सामने है, सूर्य सामने है, धरती सामने है, जल सामने है, अग्नि देव सामने है, पांच तीर्थ एक बाद में हमने तो राम मंदिर बन गया। खुश है कि नहीं है? राम मंदिर तो पहले से भी था, आज उसको विकसित करना चाहते खुश है, कोई बात नहीं। राम मंदिर का मतलब नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ गठबंधन कोई सरकार लड़ाने की काम मत कर। मोदी जी बनाए हैं मानते हैं कि नहीं? बात मानते हैं, मोदी जी बनाए हैं, चाहे कोई भी मोदी जी यहाँ कोई समस्या गया है? मोदी जी बनाए हैं, ऐसा जुमलाबाजी का अपमान कर रहे हैं। राम को मोदी जी लाए, अभी तो आप बोले कौन कौन अपमान कर? आप अभी मुंह से क्या बोले? एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोले, मेरा लड़का है। आप क्या बोले कि मोदी जी को ऊपर दिखाया, राम को नीचे दिखाया? बोला भाजपा वाले दिखाए हैं फोटो में, दिखाया ऐसा? भाजपा वाले पूछे क्यों दिखाया? क्या दिखाया? आप मीडिया है, आपने जवाब दिया, आप पूछे ना भाजपा वाले? हम क्या पूछेंगे? आप मीडिया सवाल डाल रहे हैं, आप सवाल डाल रहे हैं इस चीज को? सवाल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो कर्नाटक के भाजपा बीजेपी आईटी सेल के लोग, वो नहीं जुमला वो सब गलत फिल्मिना गलत फिल्मिना, जो कोई भी सेल हो के चाहे कुछ भी संस्था हो के, लेकिन जायज होना चाहिए। आप दर्शन करने कब जा रही है बताइए? मोदी सबको बुला रहे हैं, सुनिए ना, बात तो नहीं है राम भगवान समझे, अपने वो दिल से बोलाएंगे, अपने आप चले आएंगे। राम बोल अति मोदी जी बोलेंगे तब आएंगे। मंदिर का गेट भारत के लिए हमेशा खुला रहता है, खुला रहता है। जब सनातन की बात की जाती है तो सनातन के तरह चलिए ना, सनातन धर्म में कहीं नहीं है कि मंदिर का उद्घाटन मोदी जी अकेले कैसे कर देंगे। तो बुलाइए उनकी बीवी को साथ में, अगर बैठती है तो उद्घाटन होगा, अगर वो अपनी बीवी को छोड़ दिया तो अपनी बीवी को मूर्ति बनवाइए, साथ में बैठाइए। राम जी यज्ञ इतना बड़ा करते हैं तो अपनी बीवी को नहीं छोड़ते, मूर्ति बनवाते हैं और ये अपनी बीवी के बिना यज्ञ करेंगे, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अपमान तो ये लोग करते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत बड़े सनातनी हैं। अपमान कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं अपमान। तो चलिए, इनका कहना है कि मोदी जी अगर प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं वहां जाकर राम मंदिर में, तो वो अपनी पत्नी को लेकर आए, क्योंकि कई तरह के कई साधु संतों ने भी ये कहा है कि अकेले कोई व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता है। तो मोदी जी अभी अकेले हैं, इन्होंने भी वही बात कही है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।